देखिए बर्फ के पहाड़, इधर विदेश के पहाड़, इधर फिर से बर्फीले पहाड़, और इधर ये पहाड़ सारे ढक गए हैं बादलों से। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। कैसे हुआ? वो यार एकदम से ना स्लिप कर गई। तुझे तो नहीं लगी? नहीं नहीं आई एम ओके। कचर होने गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम हैं यहाँ पे अंतर में, तो यहाँ पे हमने कैंप लगाया बेसिकली। रात को हमने यही स्टे करा, कल रात को हमें कैंप के लिए जगह नहीं मिल रही थी, काफ़ी देर 3-4 घंटे इधर उधर भटकते रहे, फिर हमें फाइनली जाके एक जगह मिली जहाँ पे हमने कैंप लगाए। यहाँ पे होटल टाइप था एक, तो वहाँ पे हमने कैंप सेटअप करा अपना। मैं आपको कैंप के नज़ारे दिखाता हूँ। दो कैंप थे, एक में 3 बंदे सोए थे और एक में 6 बंदे सोए थे। तो कैंप सारे हमारे अपने थे, कैथलॉन के टेंट थे दोस्तों। एक हमारा ये टेंट, ये एक 6 बंदे वाला टेंट, मेस्ट अप हुआ पड़ा सब कुछ, सारा सामान हमने रखा हुआ था इसमें। भाई मजा आया उमेर भाई, मजा आया? अरे पूछो मत। पूरे अनिरुद्ध भाई मजा आया कैंपिंग में? बढ़िया बढ़िया। सो अब निकलते हैं पैंगोंग के लिए आगे। और भाई अनुराग भाई सेट है माहौल? भाई ओके। दोस्तों अभी हम निकलेंगे पैंगोंग के लिए। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर का व्यू, पहाड़ देखिए कितने सुंदर है यार। ये ड्रोन शॉट लेंगे। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी, तो ये हुंदर में पड़ता है एरिया। तो नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर पैंगोंग लेक। तो यहाँ पे हमारी 3 बाइक्स हैं, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट है भाई की, अनिरुद्ध भाई की रुद्र शूट्स वाले, ये अपनी है हिमालयन, हमने आगे लोगो लगा रखा है GM टेक ट्रैवल, और ये पीछे बैठ रहे हैं पूजा जी, और ये अनुराग भाई की बाइक है रॉयल एनफील्ड, और ये प्रिंस जी हैं डॉन साहब। तो अभी हम निकल रहे हैं पैंगोंग के लिए। तो ये अनुराग भाई की बाइक है UP 14, पीछे भी एक UP 14 है रुद्र भाई की, रुद्र शूट्स वाले अनिरुद्ध भाई की, और हमारी है हिमालयन 2022 BS6 इंजन। पूरी भागती है यार, मज़ा आ गया यार। दोस्तों ये है रेस का नाम हुंतर, ये व्यूज देखिए, ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमान। अभी हम रहेंगे अनिरुद्ध भाई के पीछे पीछे, क्योंकि अनिरुद्ध भाई हमारे गाइड हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। और ये दोस्तों देखिए सामने पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। कैसे हुआ? वो यार एकदम से ना स्लिप कर गई। तुझे तो नहीं लगी? नहीं नहीं आई एम ओके। नहीं नहीं एकदम से ना यार पता नहीं मोड़ काटते हुए स्लिप कर गई, स्लिप कर गया था एकदम। टायर दबा के देखना आगे वाला, मुझे आगे टायर में ठीक ही है, पता नहीं कोई पत्थर पुत्थर ना आ गया हो नीचे। दोस्तों GoPro में रिकॉर्ड हो ही क्या होगा, बाइक के आगे ना पत्थर आ गया था। दोस्तों छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। वहाँ पे
बिस्किट से हम लेंगे, कुछ वायर वगैरह लेंगे। तो दोस्तों चलो, जो होना था वो हो गया। हमारी बाइक चक्कर की जो कि वेरी नॉर्मल है, ऐसी रोड पे भी पत्थर थोड़ा ना बड़ा था ऊपर। चलो वो सब छोड़ो, आप व्यू से इंजॉय करिए। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों व्यू, मौसम मौसम देखिए, रेत ही रहता है और रेत ही इतनी ठंडी होगी ना। ओएमजी, कांट कहते तभी तो इसको लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख ही जन्नत जन्नत दोस्तों, जन्नत। तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज लेने। एंड मैम, एक आपके पास एयरफोन कनेक्टर होगा टाइप सी, ये ऐसे वाला कितने की है? ये छोटे वाला। हाँ जी, एयरफोन कनेक्टर, एक तरफ टाइप सी और एक तरफ एयरफोन। देखना जरा एक बार, थोड़ी सी बड़ी। नाउ वी आर रेडी टू गो। अभी हम अनिरुद्ध के पास जा रहे हैं, वो लोग आगे निकल चुके हैं, अनिरुद्ध एंड बाकी भैया लोग गए हैं कहीं। अभी हम यहाँ से चलने लगे हैं, हम यहाँ पे रुके थे कुछ फोटोज क्लिक करवाने के लिए। अनिरुद्ध भाई को ड्रोन पर हम निकलने लगे हैं दोस्तों। रोक रो थोड़ा सा हेल्प कर लें। ओके हो गया, चलो हियर वी गो। तो दोस्तों ये कुछ व्यूज देखिए नुब्रा वैली के। सो वी आर ऑन द वे टू नुब्रा टू पेंगोंग लेक। तो दोस्तों ये जो नुब्रा वैली है, ये थोड़ी देर बाद अपने कलर चेंज कर रही है। कहीं पे आप जाओगे आपको पहाड़ का कोई कलर मिलेगा, तो कहीं पे रुकना है ब्रो, आगे होना सफारी को आने दो भाई। लोग शायद हम दिखने लगे हैं, खा लेते हैं यहीं पे, यहीं खा लेते हैं यार। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी यहीं पे खाते हैं, यहाँ पे रुकने लगे हैं अभी। अभी यहाँ पे खाएंगे कुछ। हाँ जी भाजी, भूख लगी है? हाँ जी बिल्कुल। लो फिर ताड़ी स्पेशल डिमांड दे दी खाने को। हाँ अनुराग भाई, भूख लगी है? थोड़ी देर का हमने हॉल्ट किया है यहाँ पे, और दिस इज वन कैफे, आई थिंक अग्यम विला एंड कैफे। अग्यम अग्यम नाम से एक विलेज में आपको बता रहा हूँ, आई थिंक वहीं आ गए हैं। अग्यम विला यहाँ पे हम खाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। अगर हम खुद का बनाने लगे जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं अपना कैंप सेटअप कर लें, शाम को कैंप में सब कुछ बनाएं, वहाँ पे चीज़ें करें भाई का वॉइस ओवर हम भी यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट करके हम निकलने लगे हैं। जो हमारी सफारी है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, एंड ये अनिरुद्ध भाई अभी मैप पे देख रहे हैं पेंगोंग का रास्ता। ये रही अपनी बाइक, ये रही अनिरुद्ध भाई की बाइक। पूजा जी आ रही है आवाज़।
ब्लॉगर साहिबा चले भाई रेडी टू गो रेडी चलो दोस्तों चलते हैं अब गोली की तरह चलेंगे अब तो गोली की तरह गोली अंदर जा जलंधर चलो चलो आजो आजो चलो चलो रुकना है तो ये देखिए निरुद्ध भाई और मैं साथ साथ में हैं भाइयों ने ना हाथ दिया है कोई हेल्प तो नहीं चाहिए उनको भाई ने हाथ दिया है पहली वाटर क्रॉसिंग अच्छी वाली जय हो मैं कहा चल अगले ने बोला है तो यार हेल्प कर देते हैं पंजाबी हैं बंदे आ जाओ वाह भैया पाजी आइडिया दिया था चलो ओके पाजी एंजॉय करो भाजी पंजाब तो ओके जी अनिरुद्ध बंदा इनसे ये पूछे तुम लोग उधर लेने क्या गए हो मैं इनसे बंदा ये पूछे तुम लोग उधर लेने क्या गए हो आम अरे यहाँ से बचा रहे होंगे यहाँ गड्ढे होंगे पर गड्ढे इतने नहीं थे क्या बताओ ऑफ रोडिंग करने गए हो हाँ वही ऑफ रोडिंग के मजे गए होंगे मजे में सजे बन जाते हाँ थार हो ना फिर बंदा जितना मर्जी मजे ले वो भी फंस जाती है यहाँ बंदे के पास और रूबी कौन है हाँ डिश डिश लेट्स गो गाइस आ जाओ कौन सी लोकेशन है जो नहीं तो तूने लगाई है जहाँ पे व्यू पॉइंट है
ओह शिट, इंडिकेटर टूट गया यार। मैं इसीलिए इसके हक में नहीं था लगाने के, भाई इंडिकेटर का काम हो गया इसकी वजह से, तो मैं पहले ही इसके हक में नहीं था। इसको फेवी क्विक लग जाएगी तो चिपक जाएगा। नहीं, इसको ना ठीक से ठीक करा लेंगे कहीं से, ताकि कोई नहीं यार, जो हो गया होना था। यहीं पे दोस्तों वेट करते हैं थोड़ा सा अनिरुद्ध भाई का। कहाँ जा रहे हैं सर? मैं पैंगोंग लेक। बाइक कितना बाइक है? मैं बाइक एक। हाँ? एक बाइक। बाइक नंबर बोलिए। बल ए। ले। 02। ले 02। 60। 60। 12। 12। नाम क्या है? गर्व। GARV। नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर? 896 अगेन 896 जा चुके हैं। दोस्तों ये मोगरा वैली के कुछ देखिए कितनी सुंदर है यार नूबरा वैली। तो दिस इज वे टू पैंगोंग लेक। आप देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल ये मिट्टी के रेत के पहाड़ हैं एंड सामने आपको ग्लेशियर्स भी दिख रहे होंगे। दोस्तों मतलब बहुत ही खूबसूरत वैली है नूबरा वैली। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं पैंगोंग लेक, जो कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट है लद्दाख का। तो मतलब दोस्तों अगर लद्दाख का नाम लो तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है अच्छा अच्छा वो वाली लेक थ्री इडियट्स की, जहाँ पे शूटिंग हुई थी। थ्री इडियट्स ने यार इस लेक को फेमस कर दिया, या भी आप कह सकते हैं कि पैंगोंग ने थ्री इडियट्स को फेमस कर दिया। तो दोस्तों कुछ ऑफ रोडिंग पैचेस भी हैं, बट आप देख सकते हैं कि ये रोड कितनी अच्छी है, तो कुछ अच्छी रोड्स भी हैं। अरे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लम्हे ये। दोस्तों ये देखिए लेक के व्यू, ऑसम ऑसम। यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर इज अश्योरेंस ऑफ इमोरालिटी, कीप इट गार्बेज फ्री। यस, अरे भाई साहब बहुत ही सुंदर। आई थिंक ये पैंगोंग लेक ही होनी चाहिए, क्योंकि अब ये साथ साथ चले। मौसम मौसम मौसम, रिफ्लेक्ट हो रहा है और ओए होए होए बहुत ही अच्छे। भाई पैंगोंग, पैंगोंग रिवर, क्या बात है, मजे हैं दोस्तों। देखिए नीले रंग की लेक, बहुत ही खूबसूरत, अति सुंदर।
अति सुंदर, मजे आएंगे दोस्तों मजे। रंग तेरे रंग नाल दाए दसना कह जे भी दस तेरे सपने जाल दाए अच जानी मिल जान गए तो अपनिया छाइया नी जगल तो लाण नू फिर दिए जो हथी गानियां पाइया नी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ऑसम ऑसम अभी यही है फाइनल पॉइंट। सफारी भी आ रही होगी, यही है ना फाइनल पॉइंट, वो थ्री इडियट वाला पॉइंट, बम पॉइंट। बहुत बहुत सुंदर यार, आगे ब्लू कलर दोस्तों वो देखिए, ऑसम ऑसम। अभी चले मैं रखता हूँ यहाँ पे ऑफ रोड पे। अभी रास्ता है भाजी, अच्छा उपर कैंपिंग हो जाती है, टेंट वगैरह किसी ने लाने हो। अगे रास्ता नहीं, वो जो रास्ता जा रहा इधर ही जा रहा है, उतर के फिर जाना पड़ेगा, वो पीछे से जा रहा है। तो ये बंद है आगे, ये तो बंद है। भैया इनसे इंटरकॉम कनेक्ट करके वापस बुलाओ, मैं ये क्रॉस हो गया ना मोड़, फिर आगे से आया वो, एक मिनट ऊपर से पीछे से रास्ता है, इनको बोलते आगे से मोड़ लो, रुको मैं इनको बोलता हूँ। ऑफ रोडिंग का मजा ही अलग है। भाई तुम यहाँ से नीचे चलो, पीछे से रास्ता है। हाँ भाई आगे रास्ता नहीं है, नहीं है ना, आगे रास्ता बंद है, वो जो रास्ता है ना वो पीछे से जा रहा है, वही आगे को जा रहा है, और आगे कुछ नहीं है। क्या पता वही वाली रोड हो, नेविगेशन पे थोड़ा गलत दिखा रहा हो। मैंने इंटरकॉम पे बोलना भी चाहा, तेरे आवाज नहीं है। नहीं नहीं ये वाला रास्ता बंद है, यहाँ से ये गाड़ियाँ वापिस आ रही थी, ऊपर ट्राई करने गए थे ना, दो गाड़ियाँ थी, एक थार और वो थी ना ब्रीजा, वो जो जा रही है ना ऊपर, वो लाइन है वो पीछे से है रास्ता, ये देखो ऊपर जो है ये गाड़ी आई टेम्पो ट्रैवलर यहाँ। हाँ यही रास्ता है, यही रास्ता है, हाँ ऊपर वाला, ये पीछे से, पीछे से। भैया कह रहे हैं कि मेरे को पता था, क्योंकि मैं आगे तक देख के है ना, यहाँ पे तो डेड एंड है।
सीधे जाने थे, सीधे सीधे वुडन पार्टी था भाई साहब, जो सुना था वही हो रहा है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो लेक ने अपने रंग चेंज करने शुरू कर दिए हैं। अभी तीन शेड्स आ रही हैं, ब्लू आ रही है कहीं पे ग्रीन आ रही है और कहीं पे डार्क आ रही है। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। आगे जाके पैदल चलना चाहते हैं। भैया आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। सॉरी, मेरे को लगा भैया मेरा पार्टनर है। नहीं नहीं, मेरा ना एक्चुअली पार्टनर पीछे आ रहा था, मेरे को लगा उसकी बाइक है। सॉरी। हाँ भाई, देख लेते हैं यहाँ चल के। यहाँ पे किससे पूछ रहे? दिख रहा खड़ा हुआ। रुक जा यार। एक बार आगे तक पूछ आते हैं यार, वो देख कुछ लगे तो है। टूरिस्ट है सारे। पर यार कोई तो शॉप तो होगी वहाँ पे, इतना सब है। तो शॉप वालों की जगह नहीं होती, शॉप वाले हमें परमिशन नहीं दे सकते लगाने। पर यार पूछ तो लेंगे कि वहाँ पे और टाइम। तुझे जाना है बाइक, बाइक उतर जाएगी, बाइक ही ले जा। जा बाइक कैसे उतर गई भाई? देख भाई आराम से उतर जाएगी इस वाले से। तू भाई उतार ले अगर उतर दी तो। क्या बात कर रहे हो, तू उतार ले अगर उतर भैया। भैया यहाँ पे कैंपिंग के लिए टेंट्स लगाने अलाउड है? इधर तो पता नहीं सर, उधर पूछना था। आगे आगे वैसे लगते टेंट? अगर अगर गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि हमारे पास अपने टेंट है, हम खुद की कैंपिंग करते हैं ना हमारा। एक्चुअली एक आगे भी है कोई? हाँ नहीं तो आप यहाँ से मन भी चेंगे करेंगे, वो अच्छा है। वो अच्छा है तो वहाँ पे भी लेक का व्यू मिलेगा सर। हाँ ये थोड़ा टूरिस्ट प्लेस होगा ना, वहाँ पे थोड़ा कम होगा। लेक के पास दिख रहा है ना? हाँ जी, वहाँ पे वो जो घर बने हुआ उधर उधर घास होगा। अच्छा उधर घास होगा, उधर की उधर लगा दो। ठीक है भैया, वो जो घर बन रहे हैं वहाँ पे वो नीचे नीचे लगा दो। तो वो यहाँ से काफी आगे होगा। व्हाइट दिख रहे ना? अगर नहीं आपको जाना और जाना है तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो भैया आप यहाँ के लोकल हैं? पहली बार आए। गंदा नहीं करना चाहिए। ना 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 भैया, जो आपका जो ना ना, हम तो एक्सप्लोर करने आते हैं लेह लद्दाख। हम हर एक एरिया की रिस्पेक्ट करते हैं। एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, मैं गुरदासपुर से हूँ, पंजाब से। बाकी हमारे साथ और भी बाइकर्स आए हैं, वो दिल्ली से आए हैं, मैं पंजाब से हूँ। कहीं भी जाओ, बिल्कुल ये चीज़ कभी नहीं थी। बिल्कुल भैया, यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी एरिया। ऐसा चीज़ तो आपने देखा भी नहीं होगा। ना ना, हमारे पास सारा पड़ा हुआ डाल के। नहीं डाल भी होगा। हाँ डाल के। नहीं नहीं, हमारा सारा वैसा ही है भैया सिस्टम। क्योंकि हम हर जगह पे करते हैं ना, हिमाचल में भी जाते हैं, वहाँ पे भी ऊपर जाके कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करके। तो हम जो भी होता है कभी ऐसा तो करते ही नहीं ना। नहीं तो आप कितने लोग हैं? हम हैं भैया टोटल 9 लोग हैं। हमारे पास 2 टेंट है, एक में 3 जने आ जाते हैं, एक में 6 जने आ जाते हैं। बड़ा टेंट है लगा सकते आप। नीचे जाएंगे जो वहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे भाई फायदा भी नहीं। फायदा पानी के पास ही है, वाटर रिसोर्स होगा ना। हाँ जी जी, हाँ जी जी, ठीक है भैया। श्योर भैया। हाँ आ गया वहाँ पे घास बड़ा सा।
ठीक है, आ गया आ गया। वो मिलेगा आपको मेडिकल सेंटर, मेडिकल सेंटर से थोड़ा सा आगे नीचे कच्चा रोड है, सीधा लेक के किनारे लद्दाख कैंप बोल के आएगा। लद्दाख कैंप के नीचे एक बड़ा सा वो घर है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। भाई उससे कुछ नहीं, नहीं उससे कुछ पूछ ही रहा था, कुछ नॉलेज की बात ही बता रहा था वो। वहाँ पे ना डाउटफुल सा था, वहाँ पे ये था कि मतलब एक लोकल बंदा हमें मिला टैक्सी वाला, उससे पूछा क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग पहले थी और जहाँ पे वो हट से नहीं दिख रहे थे दूर से, वहाँ पे जाने के लिए कोई किलोमीटर तुर के जाना पड़ता, बाइक बाहर ही लग जाए ना यार। वहीं पे उन्होंने मना कर दिया, वहाँ पे कोई भी टेंट नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे शॉप्स नहीं, दो तीन उसने बोला था कि तुमने पूछा टेंट लगा सकते हैं। हाँ उससे पूछा, क्या बोला? कहता नहीं भैया वहाँ पे नहीं, उसने ये एरिया बताया यहाँ पे लद्दाख कैंप लिखा हुआ ना, उसने इसके नीचे बताया, कहता भैया थोड़ा ग्रीनरी सा है, ग्रीन सा पैच आएगा, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, थोड़ा आगे जा, आगे है ना वहाँ पे, वहाँ लगा सकते हो। ओहो दोस्तों लेक का व्यू देखिए आप, डार्क व्यू, डार्क व्यू, बस स्काई अभी डार्क हो रहा है तो अभी डार्क। लोकल बंदे मिले थे मैंने, उन्हीं से पूछा ना इसका, इसका मेरे को उन्हीं ने बताया कि ये ग्रीन कलर का पैच आएगा वहाँ पे लगा लेना, तो उसने मेरे को बोला, कहता भैया बस आप गंद ना डालना, कहता बाकी आप करो एंजॉय। बाकी मैंने मैंने उसको कहा, मैं कहा भैया हम ना यूट्यूबर है, मैं कहा हम हिमाचल में भी कैंपिंग करते हैं, हमारे पास सारा सामान रहता है। Amazing bro, आप लेक का कलर देख यार, मैं तो देख के कलर का दीवाना हो गया, मैं ब्लॉग में बोलता ही जा रहा हूँ लेक के बारे में, भाई एक व्यू देखता हूँ उसके बाद दोबारा देखता हूँ भाई, मैसमराइजिंग व्यू, फिर आगे जाके देखता हूँ अरे कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। हाँ 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 चलो मैं जाता हूँ, जी सर लगाओ टेंट यहीं पे, ना ना तो टेंट तो भाई जहाँ पे भी लगाएंगे ठंड में तो मरना ही है, मैं पूछ के आया हूँ, उसने मेरे को पीछे से बोला है, कहता ये आगे जाके ना नीचे का रास्ता जाएगा, कहता फिर आगे को हाईवे जा रहा होगा, कहता उसके नीचे ना आपको मिलेगा थोड़ा प्लेन सा रास्ता, कहता आप वहाँ पे लगा सकते हो, और वो लोकल बंदा था यहीं का, और उसने बोला है, कहता भैया बस गंद ना डालना, गंद नहीं करेंगे हम, वीडियो बनाए बोलो ना चैनल वाले वीडियो। हाँ हाँ मैंने बोला, मैं कहा भैया हम हिमाचल में करते हैं, मैं कहा वी आर यूट्यूबर्स, वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म बोला ये बात। हाँ हाँ फिर कहता हाँ भैया कोई इशू नहीं है, कहता बाकी भी आगे करते हैं, कहता वो ये है कि मतलब बस गंद ना डालना,
मतलब बाकी हमें पता है कि यार जो आते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग लाइफ तो एंजॉय करनी है बस तो मेरे हिसाब से ऊपर लगा सर यहीं पे फायदा है ठंड कोई नहीं लगेगी यार इतनी इतनी जैकेट्स हैं स्लीपिंग बैग हैं टेंट किस लिए लिया ओ यार पानी का रिसोर्स पाजी होना चाहिए ये पानी बहुत आज दोस्तों फुल कैंपिंग होगी नज़ारे आएंगे आज ये देखिए बर्फ़ के पहाड़ इधर रेत के पहाड़ इधर फिर से बर्फीले पहाड़ और इधर ये पहाड़ सारे ढक गए हैं बादलों जिंदाबाद हमारे शिव भैया का एक्सपोर्ट और कोयला रख भैया और कोयला वो वाला होगा ना वो डाल दिया था तो दोस्तों अपनी बॉनफायर हो चुकी है ये यहाँ पे अनिरुद्ध भाई की बाइक लगी है और यहाँ पे अनुराग भाई की बाइक है अपनी हिमालय ये रही टेंट तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स कीप लविंग कीप सपोर्टिंग